नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के बीच लगातार जारी बातचीत को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम मोदी और देश के रक्षा मंत्री देश को भरोसे में लें और बताएं कि लगातार हो रही वार्ताएं किस बारे में हैं और उनका परिणाम क्या निकल रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी पहले कह चुके हैं कि देश में ना कोई घुसा है और ना ही कोई घुसा था, तो ये वार्ता किसको लेकर है या पीएम मोदी ने देश को झूठ बोला था। सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि अपर सुबानसिरी जिले के जंगल में शिकार पर गए 5 भारतीय नागरिकों का चीनी सेना ने अपहरण कर लिया है। कथित तौर पर गुमशुदा हुए लोगों के परिवार ने बताया कि 2 और लोग उनके साथ थे जो वहां से मौका रहते भाग निकले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश को समझाना चाहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी भगवान की वजह से यानी एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन उनके पति ही उनकी बात से सहमत नहीं है। उनके पति परकाल प्रभाकर ने ट्वीट कर अपनी पत्नी के बयान पर नाराजगी जताई है। परकाल प्रभाकर ने ट्वीट कर कहा है कि असली ईश्वर का काम तो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में किसी ठोस नीति का नहीं होना है, कोविड तो बाद में आया। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि जो बात मैंने अक्टूबर 2019 में कही थी और सरकार इनकार कर रही थी, वह अर्थव्यवस्था के 23.9% सिकुड़ने से सही साबित हो गई है। ईश्वर के लिए कम से कम अब तो कुछ करो। बता दें, परकाल प्रभाकर अक्टूबर 2019 को द हिंदू अखबार में छपे अपने एक लेख के बारे में बता रहे थे। इस लेख में उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी और कई तरह के सुझाव दिए। सरकार की ओर से स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे रिलीज किया है। इसमें आंध्र प्रदेश, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। बता दें, इससे पहले 2018 में भी यही रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भी आंध्र प्रदेश शीर्ष पर था। कंगना रनौत को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि वो अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो खुलकर आएं, लेकिन देश की सर्वश्रेष्ठ मुंबई पुलिस पर आरोप लगाना बंद करें। उन्होंने कहा, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की बात है। उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि हो सकता है कंगना को मानसिक रूप से कोई परेशानी हो तो महाराष्ट्र सरकार उनका इलाज कराने में मदद करेगी। ये सभी बातें उन्होंने सत्य हिंदी को दिए गए एक इंटरव्यू में कही हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज कंगना रनौत के समर्थन में कूद पड़े हैं। उन्होंने कंगना के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए और वह जो भी खुलासा कर रही हैं उन्हें करने देना चाहिए। इसके अलावा अनिल विज ने शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई क्या शिवसेना का खानदानी प्रदेश है? क्या उनके पिता का प्रदेश है? मुंबई भारत का हिस्सा है, कोई भी वहां जा सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि राज्य में SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उस ऐलान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सरकार एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को अनेकों प्रलोभन आश्वासन देकर उनके वोट के जुगाड़ में है, जबकि अपने पूरे शासनकाल में उन्होंने इस वर्ग की घोर अनदेखी की और कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, जिसके हिसाब किताब का समय आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं ड्रग पेडलर कैजिन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। NCB साउथ वेस्टर्न रीजन के डिप्टी DG मोथा अशोक जैन ने कहा कि 4 लोग कस्टडी रिमांड में हैं और रिया चक्रवर्ती समेत कुछ और लोगों को जाँच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,34,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या लगभग 70,000 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,51,000 के पार हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। चिदम्बरम ने सरकार को घेरते हुए कहा कि विश्व का एकमात्र देश जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठा रहा है, तो
तो वह भारत लग रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे। ये बताना चाहिए कि जब अन्य देश सफल हुए हैं तो भारत क्यों असफल रहा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,00,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 8,75,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,89,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 62,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,87,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।